कलीम खान साहब के साथ। कलीम खान साहब सिविल लाइंस थाने में थानेदार हैं। दरअसल हुआ ये कि 20 अप्रैल को बिलासपुर की एक पौस इलाके से बच्चे का अपहरण होता है। लगातार एक ऐसा वक्त जब आया कि इलेक्शन का समय था और फोर्स सारी डिप्लॉय थी इलेक्शन में, ऐसे वक्त में बच्चे का अपहरण होना और बच्चे का कोई क्लू, कोई सुराग, कोई पता अता नहीं लगना, लगातार पुलिस पर सवाल खड़े होने लग गए थे। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को क्रैक किया है और बहुत ही इतनी शार्पनेस से किया है, इसको कह सकते हैं हम अपहरण की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने पूरा प्रयास, पूरा फोकस इस बात पर था कि बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। कलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिलसिलेवार अगर हम बात करें कि बच्चे का एक सरे बाजार से अपहरण होना और फिर उसका जो मूवमेंट है, इसको आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया होगा, कहां से आपने शुरुआत की और कहां आपको सबसे पहले थोड़ा सा रास्ता दिखाई दिया? जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 तारीख को विराट जो बालक है उसका किडनैप करने की जो सूचना मिली थी, सूचना के बाद पूरी पुलिस टीम हमारी मौके पर पहुंची थी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। अब जैसा कि सभी को पता होता कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ घटनास्थल पर रह जाती है, छूट जाती है और वहीं से घटनास्थल से ही हमारी विवेचना प्रारंभ हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है जो स्टार्ट हुआ था घटनास्थल से ही था। घटनास्थल पर लगे हुए दो तीन जो CCTV की फुटेजेस थे, वो उन्होंने हमारी विवेचना को प्रारंभ करने में बहुत हद तक हमें एक रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी थे। CCTV फुटेज के माध्यम से हमको लगभग एक आरोपी का, जो संदेही आरोपी था, उसका एक हुलिया मिल गया था। हुलिया में उसके पहनावे, उड़ने के तरीके थे, चलने के तरीके थे, उसके अलावा उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया गाड़ी थी वो थे, इसके अलावा एक चश्मदीद युवती थी जिसने उस गाड़ी पे तीन लोगों की संख्या उन्होंने बताया था। और उसके बाद फर्दर हमने उसको थ्रू किया था कि वो किस रास्ते से आगे जाकर वो फर्दर मूव किया जी, यानी गाड़ी में चूंकि नंबर नहीं था जी, तो गाड़ी अगर दिख भी गई थी तो उससे ये तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था गाड़ी किसकी है, क्या है जी। निश्चित तौर पे गाड़ी पे नंबर नहीं था, लेकिन शहर पे चार पहिए जो वाहन होते बहुत तादाद पे होते, लेकिन स्पेसिफिक जब सफेद रंग की वैगन कार सिर्फ आ जाए RTO से, तो आपने निकलवाया, निश्चित तौर पे एक जो जांच का दायरा है वो थोड़ा कम हो जाता है और जो विस्तृत तौर पे फैला होता है वो हम एक 100 कारों में खोजना था वो 10 कारों में खोजना हो गया। फिर ये एक तो कार का आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्या उसमें CCTV में आरोपियों के कुछ चेहरे मोहरे भी दिख गए थे या हुलिया दिख गया था? जब वो रैकी करने आया था, जब सेम डे से पहले एक माइनस वन डे पहले घटना के पहले भी एक दिन आया था, तो हमने ना सिर्फ घटना के पहले भी, हमें चूंकि इस बात का अंदेशा था हमारे वरिष्ठ अधिकारी IG सर SP सर, चूंकि इस तरीके से हम लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से किया था, हमने पूर्व की दिनों की भी हमने CCTV फुटेज खंगाले थे कि निश्चित तौर पे यदि किसी व्यक्ति या बालक के घर पे जाकर यदि कोई किडनैप कर रहा है तो बिना रेकी के नहीं कर सकता, तो एक बार घर आना जाना जरूर किया था, हमने पाया था और हमने बिना नकाब के यानी स्पष्ट तौर पे हमने चेहरे उसके पाए थे। एक दिन पहले जो वो मूवमेंट कर रहा था आरोपी, उसको आपने आइडेंटिफाई किया। अब ये तो तय हो गया कि उसका चेहरा आ गया पुलिस के सामने, लगभग तय हो गया। चेहरा को पहचान या चेहरा पर्टिकुलर व्यक्ति का है, ये कैसे तय हुआ? चूंकि ये किडनैपिंग का केस था और निश्चित तौर पे पूर्व में किए गए जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो उन केसेस के आपस में खंगाला जाता है, न सिर्फ यहाँ की जिले की सरहदी जिलों पे, सरहदी थानों पे, इसके अलावा जब हुलिया इस तरीके का लगता है कि वो छत्तीसगढ़िया पहनावा नहीं है या हमारा प्रादेशिक पहनावा नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम इसको जिले के अन्य राज्य पे, हमारी एक टीम है जो लगभग 1440 पुलिस स्टेशन हम आपस में जुड़े हुए हैं, जो लगभग आपस में एक दूसरे को विभिन्न तरीके के क्राइम का आपस में शेयर करते हैं, टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, हम आपस में एक दूसरे को फोटो शेयर करते हैं और उसके बाद जहां जिस जगह के होते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसका एक डाटा बेस कहीं ना कहीं आपस में हम लोग तैयार कर लेते हैं, तो आपस में आइडेंटिफिकेशन एक जो एरिया होता है वो कम से कम हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब ये तय हो गया था, ये किस वक्त की बात रही होगी? मुझे लगता है 22 या 23 तक ये तय हो गया होगा। अब 21 तारीख, चूंकि 20 तारीख को घटना हुआ था, तत्काल वहां पे सारी चीज, चूंकि परिवार पूरा सोकापुर था, एक साथ पूरा मोहल्ला जो इलेक्शन के टाइम पे लगभग भाजपा कार्यालय से बहुत सारे लोग वहां पे थे, क्योंकि कार्यालय के समीप था जी। जब परिवार के लोगों को पता चला कि इस तरह की घटना हुई तो उनके परिवार के बहुत सारे लोग आ गए थे, उनके इष्ट मित्र आ गए थे, तो एक बहुत तादाद में जो भारी संख्या में भीड़ थी, परिवार थोड़ा सा उस समय पूरी तरीके से चिंताग्रस्त था, तो तत्कालिक हमने बहुत सारी विवेचना उस समय नहीं कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे जैसे हमारा डे बाय डे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ,
हमको एक कड़ी दर कड़ी हमको इस बेचने में मिलती है। जी मतलब आपने इस जब सिस्टम में डाला या आपके सारे 1400 प्लस जो थाने हैं उनके उसमें और टेलीग्राम्स में डाला, तो उसका फेस भी आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद नाम तक पहुंच गया। फेस आइडेंटिफाई मींस ये था कि मतलब एक प्रादेशिक क्षेत्र का लगभग ऐसा हो गया और इस तरह तो बहुत सारी चीजें मतलब एक बहुत सारे राज्यों में ना जाके हम कुछ कुछ एक राज्य पर्टिकुलर में चले गए। आउटसाइडर है इतना तय डिटरमाइन हो गया कि नॉन स्टेट का है, आउटसाइडर है और पर्टिकुलर किस स्टेट का, ये भी थोड़ा सा उसमें कैलकुलेट कर पाए। इसके बाद फिर क्या एक्शन हुआ? अब निश्चित तौर पे फिर जब अपराधी की तरफ से प्रयास प्रारंभ किए गए संपर्क ने, तब तक हम लोगों ने अपने प्रयास लगभग कर लिए थे। जब उनके प्रयास उन्होंने जब अपने किए गए अपहरण के यदि प्रयास प्रारंभ करने लगे कि वो उनको किस कामयाब तरीके से करना चाहते थे, किस तरीके से करना चाहते थे, क्या उद्देश्य करना चाहते थे, जब उनका उद्देश्य सामने आया तब फिर हमें भी फिर जानकारी हासिल लगी कि वो चाहते क्या है, किस जगह से उन्होंने क्या करने लगे। तो वो कॉल जब आया होगा उसके बाद से आपके पास एक नंबर और लोकेशन दोनों प्राप्त हो गए। एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो है केतन मेहता का सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से काम करता है, उसने कितना सपोर्ट किया? देखिए ये एक पूरी तरीके से तकनीकी माध्यम है और इस तकनीकी माध्यम से ही हम अपराधियों तक पहुँच पाते हैं। निश्चित तौर पर इसमें गोपनीयता बरतने की आवश्यकता जरूर होती कि सॉफ्टवेयर किसका था क्या था, ये एक विवेचना और हमारे उसका माध्यम है। लेकिन हाँ निश्चित तौर पर मैं कह सकते हैं कि आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल इस विवेचना में किया गया। इस तरह के सॉफ्टवेयर में इतने माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण आ सकते हैं क्या? देखिए हजार चीजें होती है विवेचना की, करोड़ों में सारे आंकड़े होते हैं उसको फाइंड किए जाते हैं, तो चूंकि सारी चीज मानव निर्मित है और क्योंकि जब विषय विशेषज्ञता बन जाती किसी केसेस में अलग अलग क्षेत्र के लोग जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हजारों करोड़ों होते हैं वो सैकड़ों और दशकों में आ जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर कि ये जो टेक्निकल जो चीजें हैं ये आपकी उसको जांच के दायरे को और शार्प कर रहे हैं एग्जैक्टली हम किस तरफ जा रहे हैं। अब ये बात चूंकि इलेक्शन था 23rd को, 23rd में तो शायद मूवमेंट कुछ ना रह पाया हो, 24 से पुलिस एक्टिव हुई होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं था, हमारे लिए केस पहले दिन से जिस समय घटना घटित हुई थी आईजी सर और एसपी सर का पहले प्राथमिकता इस केस की गंभीरता, चूंकि बहुत संवेदनशील केस था पूरी तरीके से विराट की सकुशलता उसकी बरामदगी हमारे लिए सबसे पहली थी, क्या हम उसको सुरक्षित बरामद करना चाहते थे। चुनाव था, चुनाव के लिए टीम थी और इसके लिए भी अलग से टीम बनाई गई थी जिस टीम ने न सिर्फ चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया अपितु आपने देखा है कि आज सुरक्षित बालक भी आज अपने घर पर। ये बड़ी बात है। ये कब पता चला कि बच्चा जराहा भाटा पर्टिकुलर एरिया में है और ये कब पता चला कि पर्टिकुलर बिल्डिंग में, इसी की कहानी क्या है? बहुत सारी चीजें थी चूंकि अलग अलग जगहों पे इनके घर के परिवार के लोग सोशल मीडिया में भी इन्होंने नंबरों को शेयर किया था, उनके जरिए भी बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी। इसके अलावा भी हमारे जो पर्सनल सोर्सेस थे हमको हमने उनपे भी फोकस किया हुआ था, क्योंकि जब इस तरीके से घटनाएं होती तो निश्चित तौर पे उसे इस बात का अंदाजा होता है कि किस तरीके का लोग है, किस तरीके के लोगों के साथ ये किया जाना चाहिए। तो उनके पर्सनल इष्ट मित्र, उनके लास्ट कुछ सालों के यदि किसी प्रकार की कोई दुश्मनी हो या किसी तरह के लेन देन में कोई त्रुटियां हो या परिवारजनों में कोई हो, तो ऐसे सारे पारिवारिक और निजी जो उनके व्यावसायिक लेन देन के साथ हमने आंकड़े जुटाए थे, उनके संबंध में जानकारी एकत्र की थी। इस बीच कहीं ना कहीं से हमें इस बात की जानकारी भी मिली थी कुछ एक व्यक्तियों पर हम लोगों का फोकस था, फिर उनकी दिनचर्या पे उनके संपर्क करने वाले व्यक्तियों पे हमने किया गया, फिर वैज्ञानिक और आधुनिक हमारा जो तकनीकी माध्यम था वो इस बात की ओर पुष्टि करने लगा कि निश्चित तौर पर इनकी जो गतिविधियां हैं वो पूरी जो आपने जो आपको इनपुट मिला फैमिली बैकग्राउंड का, फैमिली के फाइनेंशियल बिलोंगिंग का, फैमिली के सोशल बिलोंगिंग का, क्या उसमें भी कोई लीड थी? बिल्कुल, एक जो तरीका होता है एक व्यक्ति विशेष के नहीं होता, हम लोग चूंकि अपराध के विवेचना की ओर पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसके निजी चीज़ों पे नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी वो चीज़ जो हमारी विवेचना की विषय वस्तु होती है निश्चित तौर पे हम उसको ग्राह्य करते हैं और एक वो माध्यम होता है कि हम उसके आधार पे उसको पार्ट बनाते हैं अपनी विवेचना का। तो बीच में ऐसा कुछ आ रहा था कोई परिवार के किसी व्यक्ति का भी इसमें कोई हाथ है कहीं? देखिए ये चीज़ें ऐसी होती है कि जब सूचनाएं आती है तो उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं और सूचनाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू। तो इसमें कुछ आगे बात हो पाई क्या वास्तव में ऐसा कुछ? निश्चित तौर पर जब व्यक्ति विशेष जब इसमें विशेषज्ञ बन गया होता है और जिस तरीके से आईजी साहब और एसपी साहब ने सकारात्मक तरीके से इस मामले को निकाला है तो मैं कह सकता हूँ कि हम कहीं भी नकारात्मक प्रवृत्तियों के किसी भी साक्ष्य पे किए और या किसी भी माध्यम में हम नहीं गए थे,
प्रारंभ से ही हमारा इसमें सकारात्मक सोच था, सकारात्मक पहलू था, अंत भी नतीजा हमारा सकारात्मक जी मतलब इसमें फैमिली के कोई रोल अभी फिलहाल में प्रारंभिक विवेचना है, आज प्रारंभिक तौर पे आगे और जो भी हो फिलहाल में नहीं है, अभी विवेचना अभी जारी है। निश्चित तौर पे यदि कोई एक काम हुआ आपका, एक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपने बच्चे को पहले सुरक्षित निकाल लिया, अब सेकंड राउंड में जी रेस्ट ऑफ द पार्ट का आप पहले से ही हमारी इस योजना में इस अपराध के पता साझी में हमारा पहले से ही सारे लोगों का ये था कि हमारा सुरक्षित विराट हमारी पहली प्राथमिकता। तो आपने रात का वक्त चुना, ये मतलब विलिंगली चुना, चूंकि एक सूचनाओं के तहत हमें एक एरिया पिन पॉइंट किया था, चूंकि वो डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया था, 1000 से 1500 मकान थे, उन 1000 से 1500 मकान की जीरोइंग करना था, दिन में हम एक्सपोज हो सकते थे, विराट को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था, इसलिए हमने वो सारे एहतियात बरते, सारे वो तरीके अपनाए जिससे हम किसी भी तरीके से विराट को हम खतरे में नहीं डाल सकते। कोई ऐसी रोचक सी बात जहां आपको किसी एक बहुत साधारण से व्यक्ति ने कोई बात बताई हो या ये मकान हो सकता है, ये सबसे पहली बार आपको देखिए कि लगभग हमने उन एरिया की चारों ओर से इस तरीके से किलेबंदी की थी कि यदि कोई बंदा उस बार यदि कहीं से निकलता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पकड़ा जाता, लेकिन अब बात इस बात पर आ गई थी कि हमें उस मकान को चिन्हांकित करना था जिस मकान पर विराट है, और वो है तो यदि उस किसी मकान पर तो हमें उसे निकालने का तरीका क्या होगा, विराट कैसे सुरक्षित निकल सकता है, तो हमारा फोकस इन्हीं सब चीजों में था। अंत में हमारी योजना इस तरीके से बनाई गई थी, रणनीति इस तरीके का था, वो अंत में कामयाब था। मतलब ये रहा हो कि आपने जराभाटा पहले किया फाइंड आउट कि जराभाटा में है, और फिर उसके बाद बिल्डिंग हो गई। अब सबसे बड़ा ऑपरेशन ये था कि ऑपरेशन के दौरान उसको निकालने के दौरान कहीं कोई खतरा आरोपी उस पर ना कुछ कर दे, बिल्कुल इसको कैसे टैकल किया? देखिए पहले से इस बात का फोकस था कि कौन किसको कवर करेगा, कार्डन किस तरीके से होगा, इनर कार्डन में कौन होगा, आउटर कार्डन में कौन होगा, ये सारी चीजें पहले से हमारी बन चुकी थी, और एक तरीका हम लोगों ने पहले अख्तियार कर लिया था कि यदि कोई ये मकान है जिस मकान पे विराट के होने की संभावना है तो यदि उस पर ऑपरेशन होगा तो वो किस तरीके से, पहले से ही ब्रीफिंग की जा चुकी थी, और इस मकान के लिए जब हमने वो किया था हमारे एसपी साहब ने खुद उसको लीड किया, हम साथ में थे, और एक ऐसा ऑपरेशन जो बिल्कुल तरीके से कहा जा सकता है कि लाइव आप यदि कोई दूसरा व्यक्ति देखता था तो उसको लगता है कि एक निश्चित तौर पे किसी फिल्मी कहानी का वो सीन चल रहा है, क्राइम ऑफ सीन चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि जितनी संजीदगी से और जितनी शालीनता के साथ यदि नेतृत्व जिस तरीके से मीणा साहब ने किया इस बच्चे के सुरक्षित निकालने में, हमने देखा कि जब कोई मकान 1000 मकानों में हमें चुनना है और वो बंद मकान को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पे उस मकान बंद मकान से कैसे उसे निकालना है ये हमारे लिए सबसे था। हमने चारों तरफ से इस तरीके से उसकी निगरानी की, हम बाहरी बार बंद जगहों से भी हम ये पता कर लिए कि विराट किस रूम पे है, जैसे विराट हमें दिखाई देता है विराट को पूरी तरीके से कवर किया जाता है, उसको सुरक्षित इस तरीके से रखा जाता है कि उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसके बाद फिर हमारी चीजें उस मकान पे प्रवेश करने की होती है, आरोपी तक पहुंचने की होती है, और इस तरीके से किलेबंदी की कि जब स्टार्टिंग में लोगों को 5 दिखाया गया, फिर 20 हुए, और फिर आखिरी में पूरा गार्डन इस तरीके से हो गया कि वो जो आउटर गार्डन था वो सिर्फ एक मकान के चारों ओर का आउटर हो गया, और लगभग 50 से 60 आदमी हमारे उस मकान को डिप्लॉय किए गए थे। यानी ये माना जा सकता है कि आपने जब प्लान चार्ट आउट किया होगा पूरी तरह से ऑन पेपर आपने इसकी प्लानिंग की होगी, तो इसमें ये संभावना भी रखी थी कि अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है कि एनकाउंटर करना पड़ा तो ये संभावना रखी थी। देखिए ये तो अगर मान लीजिए सिचुएशन है कि वो आत्मरक्षा वाली जो चीजें हैं निश्चित तौर पर उसकी प्रिपरेशन वेपन के साथ ये सब चीजों, यदि कोई व्यक्ति होता और वो यदि वेपन रखा हुआ है तो हम भी अपनी, चूंकि विराट की सुरक्षा के समय जब हम यदि उस ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी भी तैयारी पूरी तरीके से होती है, यदि सामने वाला यदि इस तरीके से कुछ चीजें करता है तो उसको माकूल जवाब हमारे काउंटर में किया जा सकता है, पर कहीं भी किसी भी सूरत में हमारे लिए जो था वो विराट को नुकसान पहुंचा। एग्जैक्टली मतलब लेकिन एक पॉइंट एक पार्ट एक सोच हमारी तैयारी पूरी तैयारी थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन, क्योंकि आपके पास ये तो था कि ये मकान है लेकिन मकान के अंदर का नक्शा था कितने कमरे हैं कहां से कहां जाने, जब चीजें जीरोइंग की जाती है तो वो इसी बात को की जाती है, जब उस पर ऑपरेशन
करने के बाद जब उसमें रेड डाला जाता है तो वो पूरी तरीके से तैयारियों के बीच में डाला जाता है कि कितने मकान हो सकते हैं, उसके एक्सेस रूट क्या हो सकते हैं, कहाँ से एंट्री हो सकती है, ये सारी चीज प्लानिंग की जाती है और उसके बाद ही उस पर रेट डाला जाता है। और बिल्कुल वैसा ही हम लोगों ने किया, मकान चिन्हांकित किया, मकान का पूरी तरीके से हमने आसपास से सारी जानकारी एकत्र की और अंत में उस बंद मकान पे इस तरीके से रेट मारा कि आज विराट भी सुरक्षित है और आरोपी भी हमारी गिरफ्त। उस मकान के अंदर की जो चीजें हैं वो आपको इतनी जल्दी में, चूंकि टाइम लाइन होती है तो बात समझ में आती है कि दो चार दिन है तो आप धीरे धीरे करके रेकी कर दे, किसी नौकरानी से बात करें, आने जाने वाले किसी और से बात करें, लेकिन आपका समय बहुत कम था जी। जब मकान आइडेंटिफाई हुआ होगा समय होता जैसा आप बता रहे हैं तो कल ही आइडेंटिफाई हुआ होगा जी, बिल्कुल एक दिन पहले ही हुआ होगा, उसी रात में आपको वहाँ डिप्लॉय करनी थी और उसी रात में आपको ऑपरेशन को अंजाम देना था। तो इस बीच जो अंदर का नक्शा है उसको निकालने के लिए आपने क्या सोचा? कोई भी मकान एक अपने स्क्वायर फीट में ही निर्मित होता है और आजू बाजू के कितने मकान, कौन से मकान कहाँ पे किस तरीके से, तो अमूमन जिस मकान पे रेट डालना है उससे ज्यादा हमें जानकारी आसपास के उन चारों मकान की भी होती है कि हमारे इस ऑपरेशन में कहीं उन चारों मकान पे भी कहीं किसी प्रकार का कोई भी नुकसान कैसे आए, ना कहीं कोई खतरे की संभावना हो। हम सारी संभावनाओं को हम तलाशते हैं और अंत में हमने, जब चूंकि शॉर्ट टाइम था, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत करता हूँ, लेकिन चूंकि वो ऑपरेशन विराट ऑपरेशन का था, उसकी सुरक्षित निकालने की जवाबदारी हमारे ऊपर थी, तो पूरी तरीके से हमने एहतियात बरते थे और अंत में नतीजे हमारे पक्ष में रहे हैं। जो आरोपी है मुख्य आरोपी वो अभी अभी पकड़ से बाहर है। देखिए कि मौके पे जो कॉल करने वाला था वो चूंकि बाहर ही था, वो उधर पहले रेड मारा जाता तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान पड़ता, उसको जानकारी मिल जाती। तो पहले हमने पहले से बताया कि हमारी विवेचना का पहला ही सार ये था विराट की पहली प्राथमिकता। इसमें अगर हम ये कहें कि जनरली हम देखते हैं कि पुलिस इस कदम से चलती है तो अपराधी दूसरे कदम से चलते हैं, कहीं ना कहीं वो भी उतने ही अपडेट होते हैं। तो इस पूरे इस पर्टिकुलर केस में कोई नई बात, कोई ऐसी चीज समझ में आई हो कि अपराधी कहीं ज्यादा कुछ कनिंग था, कुछ कहीं बहुत ज्यादा पेशेवर था, तो कुछ जगह पर हमें क्रैकिंग में देखिए क्या होता है इस तरीके के केसेस में। मैंने बताया ना कि बहुत सारे अफवाहों का, बहुत सारे नकारात्मक पहलुओं का भी आना जाना लगा रहता है। अब उसको आप एज ए विवेचक क्या किस तरीके से फिल्टर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीजें आई हैं जिनका, चाहे वो कॉल से लेकर या सीसीटीवी फुटेजेस में भी कंफ्यूजन होना कि एक सी वेगन आर जब एक ही टाइम पे अलग अलग मोड़ पे गुजर जाती है तो वो राइट गया था कि लेफ्ट गया था, वो टाइमिंग को मैच करना, कुछ तो बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ, पर मैं जरूर कहूंगा बिलासपुर वासियों से कि आप सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं, निश्चित तौर पर एक विराट नहीं अनेक विराट इस तरीके से सुरक्षित आपके शहर में रह सकते हैं। हमारा मिशन सिक्योर सिटी आईजी साहब का प्लान पहले से ही चला आ रहा है, हम सबसे हमेशा निवेदन करते हैं यदि हमारा शहर सिक्योर, आज उस दो कैमरे से यदि विराट सिक्योर हो सकता तो पता नहीं अनेकों विराट जो इस बिलासपुर शहर में रह रहे हैं, एक निश्चित तौर पे सीसीटीवी के माध्यम से मतलब फोर्स का कम से कम काम कम करते हैं और बिल्कुल फाइन कर देते हैं, कम से कम दिशा सही दे देते हैं। सीसीटीवी पकड़ना अलग विषय है जी, एक रास्ता समझ में आ जाता है कि आप कहाँ तक पहुंचे। तो इस केस के बाद क्या ऐसी कोई पुलिस कैंपेन करेगी, क्या जनरल कैंपेन टाइप की कोई लोगों के बीच में जाकर के उनको प्रमोट करें, जैसे हम लोगों ने भी सोचा था पत्रिका में आपसे ऑन कैमरा ये बात कह सकता हूँ कि हम इस कैंपेन पे जरूर काम करेंगे और आपके साथ सकारात्मक रूप से हम काम बिल्कुल करेंगे। जागरूकता अभियान का ये जो मुहिम है वो हमारा लगातार निरंतर जारी रहेगा। ये जो सीसीटीवी कैमरा सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए, आप बिल्कुल खुले वातावरण में आप आवागमन कर सकते हैं, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए भी सीसीटीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस किसी घटनाओं पे ही जाके आपके सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है, अदरवाइज बाकी 365 दिन में 364 दिन वो सीसीटीवी आते हैं। एक नग्न आंखें जो चीजें नहीं देख सकती वो सीसीटीवी कैमरा देख सकती है। सबसे बड़ी चीज उसकी याददाश्त की होती है, यदि आपको पुराना 4-5 दिन 7 दिन का देखना हो तो सीसीटीवी फुटेज कम से कम बहुत फाइन ट्यून्ड हो जाता है। अब सीसीटीवी से अगर हम बात करते हैं तो जो चौक चौराहों पे लगे हुए सीसीटीवी उनमें से बहुत ज्यादा सीसीटीवी खराब। अभी ITMS के तहत अभी स्मार्ट सिटी बिलासपुर के कुछ का पहला चरण शायद अभी स्टार्ट होने वाला है, निश्चित इलेक्शन के बाद कुछ चरण होते हैं। 45 से 46 चौक जो है अभी तक चिन्हांकित किए गए नगर निगम के माध्यम से चल रहे हैं। पूर्व में जो लगे हुए जो कैमरे थे उसकी जो मियाद थी वो खत्म हो गई थी, तो इसलिए कुछ एक चौराहों पे समय से पहले जहाँ पे वो बंद हो चुका था वो उसकी मियाद पूरी होने के कारण कहीं ना कहीं इसके आवश्यक तौर पे मरम्मत की आवश्यकता होती है, उसकी देख रखाव रख रखाव की आवश्यकता होती है, तो वो मेंटेनेंस कहीं ना कहीं जरूरी होता है।
तो आने वाले टाइम में शायद आप लोगों के माध्यम से भी मैं निश्चित तौर पे चाहूँगा कि अधिक से अधिक बिलासपुर में कैमरे लगे, जो आने वाले कल को, आने वाले हमारे शहर को सुरक्षित करने में इस दिशा में भी मतलब पुलिस एक बार समेकित होकर के इंटीग्रेटेड होकर के विषय पर भी सोचेगी कि जो चौक चौराहों पर कैमरे लगे उनका एक रख रखाव की योजना, इंस्टॉलेशन की योजना, उनकी मॉनिटरिंग की योजना, उनके इस्तेमाल की योजना भी बने, चूंकि आपने उनको ट्रैफिक से भी जोड़ रखा था बीच में ट्रैफिक वायलेशन ये है ही इस तरीके का। अभी ITMS है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, अभी रायपुर में पहले स्टार्ट हुआ है, सेकंड बिलासपुर सिटी बनने वाली है, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रूम होता है जो पूरे शहर के चौक चौराहों को एक जगह पे इंटीग्रेट कर लेगा, जहाँ पे एक ही जगह पे आप उसके लैट लॉन्ग के माध्यम से किसी भी जगह पे ANPR होता है जो ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट रीड कर लेता है, इसके अलावा PTZ कैमरा होते हैं जो लगभग उसकी 150 से 200 इफेक्टिव रेंज होती है, जहाँ से वो आराम से इजी जूम करके देखा जा सकता है, और इसके अलावा कैमरे देखने से अपराधी को भी भय होता है और इस तरीके से शहरों पर वो स्वच्छंद तौर पर आवागमन नहीं कर सकता काम आते हैं। सलीम साहब, बियॉन्ड द एक पुलिस ऑफिसर, बियॉन्ड द सर्विस, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है इस तरह केसेस हम सॉल्व करते हैं? देखिए बिल्कुल, 5 दिन पूरा चुनौती भरा था, बीच में चुनाव था, पारिवारिक जवाबदारी भी रहती है, पर जब जब इस तरह के केसेस होते हैं तो परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, और जब अंत हमारा सफल होता है तो निश्चित तौर पे जो जितनी भी व्यस्तता हमारी बनी रहती है, हमारी जितनी थकान रहती है, सारी चीज़ बढ़ जाते हैं, फिर से हम ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हमने वो कर लिया है जो हमें पूरी तरीके से चुनौती के रूप में जो हमने स्वीकार किया था, आज हमने उसको ओढ़ लिया है और आज हम उस सफलता की ओर। इस तरह से केस होता है ये कि बच्चे से जुड़े हुए जब भी मामले होते हैं, कोई भी मामले हों, तो इनमें पूरा शहर जुड़ता है। जी जी, उसको उस विराट में अपना बच्चा दिखाई दे रहा होगा, हर ममता मई माँ दुआ कर रही थी विराट के सुरक्षित आने की। जी जी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकरण जो ऐसा होता है वो एक सीख दे के जाता है, एक जागरूकता का संदेश दे के जाता है। आज विराट के मैसेज ने पूरे शहर में एक मैसेज दिया, ना सिर्फ शहर में, क्योंकि सोशल मीडिया इस तरीके से वायरल हुआ है कि आज जो विराट अभी आज देखा जाए तो ट्रेडिंग में आज टॉप 5 में कहीं ना कहीं चल रहा है कि विराट के जो केसेस आज सॉल्व किए गए, तो ये एक तरीके से सीख भी रहता है कि किस तरीके से हम जब बच्चा हमारा खेल रहा हो, परिवार के लोगों की क्या जवाबदारी बनती है, CCTV कैमरे के किस उस जगह पे रहे। और मेरा एक संदेश भी है कि बच्चे के संबंध में पेरेंट्स अपने बच्चे को पूरी तरीके से कम इस मामले में जागरूक करें कि किसी भी प्रकार के बहकावे या किसी प्रकार का प्रभावन या प्रभावित करके किसी बच्चे को यदि कोई लेके जाता है प्रलोभन देकर, तो ऐसे चीजों से कोई भी बलपूर्वक कुछ होता है तो बच्चा शोर मचाए। जी, और खासकर मैं कुछ इस केसेस में भी हमने देखा है कि एक युवती ने देखा जरूर था, शायद वो प्रयास थोड़ा सा और अच्छा हो गया होता तो शायद विराट को शहर के बीच में ही घटना के दौरान ही रिकवर कर ले। करीम साहब, एक प्रश्न छूट गया बार बार पूरी बातचीत में कि जब हम इसका अपहरण हुआ बच्चे का, तो बच्चे को जनरली उन्होंने गाड़ी में रखा, गाड़ी में क्योंकि बच्चा 6 साल का था और बच्चा बोल सकता था, चीख सकता था, चिल्ला सकता था, क्या इसकी एहतियात के लिए आरोपियों ने उसको मतलब उसकी चेतना को शून्य किया, कुछ किया? देखिए ये अभी क्या CWC जो होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी उसका अभी स्टेटमेंट लेंगी, क्योंकि वो नाबालिग बच्चा है, उसका एक प्रॉपर, चूँकि जब भी अपहरित बालक होते हैं जब वो उस तरीके से चंगुल से छूट के आते हैं उनका प्रॉपर मेडिकल कराया जाता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि वो कई बार जब बच्चे को इस तरीके से लेके जाते हैं चिल्लाएगा तो उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर भी इसमें भी क्या होगा, विराट ने जब आज भी जब खिड़की पे हमने देखा तो वो लपक कर दौड़ के आया था, उसकी लपकपन की दौड़ने ने हमारे और कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था, निश्चित तौर पर हम सारे के सारे वो ये समझ गया था कि ये जो लोग हैं मुझे बचाने वाले हैं और ये लोग मुझे बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये इतना उसकी नजर पूरी ये हो गई थी, वो भी सिविल का ही बंदा था, आज का ऑपरेशन भी हमारा सिविल कपड़ों पे भी था, लेकिन उसकी नजर जान गई थी कि अपराधी कौन से सिविल के कपड़े वाला था और आज जो उसको बचाने वाला वो कौन से सिविल कपड़े वाला। मतलब बच्चा भी स्मार्ट है, चूंकि हम लोग उसकी वीडियो देख रहे थे तो वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है परेशान है या बहुत, जिस तरह 4-5 दिन छोटा सा मासूम अगर रहे किसी अन्य माता पिता या अननोन लोगों के बीच में तो वो वैसे ही डिमोरलाइज हो सकता है और भी कई चीजें हो सकती है, लेकिन वो एक बहादुरी दिखा रहा है, तो ये कह सकते हैं विराट की अपनी व्यक्तिगत बहादुरी भी थोड़ी पुलिस को सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अंत में यदि वो